नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। भारत को G20 की अध्यक्षता मिलने पर देश भर में फैले यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों समेत केंद्र सरकार की ओर से संरक्षित 100 स्मारकों को सप्ताह भर के लिए रोशनी से जगमग किया गया है और इन पर प्रभावशाली समूह G20 के लोगों को उकेरा गया है। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा और पुराना किला से लेकर गुजरात में मोढ़ेरा सूर्य मंदिर और ओडिशा में कोणार्क सूर्य मंदिर से लेकर बिहार में शेरशाह सूरी के मकबरे तक ऐसे 100 स्मारकों में रोशनी की गई है। कश्मीर की बात करें तो यहाँ प्राचीन और ऐतिहासिक शंकराचार्य मंदिर पर जब G20 लोगों उकेरा गया तो वह देखते ही बन रहा था। श्रीनगर में जबरवन रेंज पर शंकराचार्य पहाड़ी के ऊपर स्थित शंकराचार्य मंदिर, जिसे ज्येष्ठेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, वहाँ आने वाले आगंतुक इस बात को लेकर बहुत उत्साहित दिखे कि इस मंदिर को भी मोदी जी ने G20 लोगों को प्रदर्शित करने के लिए चुना है। श्रीनगर में प्रभासाक्षी संवाददाता से बातचीत करते हुए श्रद्धालुओं ने कहा कि सरकार के इस फैसले से यहां आने वाले पर्यटक बड़ी संख्या में इस प्राचीन मंदिर की ओर आकर्षित होंगे। G20 लोगों दर्शाने से पहले शंकराचार्य मंदिर की खूब साज सज्जा भी की गई है, जो कि सभी को भा रही है। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं श्रद्धालु। शंकराचार्य कश्मीर और इंडिया का सबसे पुराना मॉन्यूमेंट है और ये अपने आप में एक सभ्यता को दर्शाता है। यहाँ पे G20 का सबमिट को लोगो लगाने से काफ़ी लोग यहाँ पे विज़िट करने आते हैं, उनको जागरूकता होगी। और दूसरी बात है कि कश्मीर में काफ़ी टाइम के बाद ऐसा इवेंट हो रहा है जिसकी मैं सराहना करता हूँ और मोदी जी को बोलता हूँ कि जैसा ये काम चल रहा है वैसा ही वो करते रहें, बहुत अच्छा है और कश्मीर में काफ़ी प्रगति हो रही है। तो ये चीज़ जब यहाँ पे लोगों लगेगा तो आवाम को यहाँ पे काफ़ी जागरूकता मिलेगी और डेवलपमेंट में भी आसानी रहेगी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।